संजू चौरसिया है मेरा नाम, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए मेरा अगला आइटम नंबर है अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे तो हमारी कॉलोनी में एक सज्जन रहते होंगे, एक लड़का है 30 के पास पहुंच गया, परंतु अभी तक तो उसको कोई नौकरी नहीं, बेरोजगार है बेचारा। वो परेशान, उसके माँ बाप परेशान, सभी लोग परेशान। तभी उनको पता चलता है कि इंदौर से एक इंदौरी बाबा आए हुए हैं। वो हाथ दे के भविष्य बताते हैं, उनके पास प्राय हर समस्या का समाधान होता है। इनको जैसे ही पता चलता है, पहुंच जाते हैं इंदौरी बाबा के पास। बाबा प्रणाम, प्रणाम बेटा, बेटा हाँ कहो बाबा। ये भाजपा वाले तो अच्छे दिन के सपने दिखा के वादे करके सत्ता में पहुंच गए हैं, परंतु अभी तक मेरे अच्छे दिन ही आए बाबा, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। बेटा कहाँ ना, हमारा नाम, तुम भी कुछ सही जगह आए हो, हमारा नाम इंदौरी बाबा है, हम इंदौर से आए हैं, और समझ लो तुम्हारे बुरे दिन गए, अब बस अच्छे दिन आने वाले तुम्हारे। अच्छा बाबा, अच्छे दिन आने वाले हैं बिल्कुल, अब आपके मुंह में घी शक्कर। अरे बेटा घी शक्कर का नाम है, अभी आज क्या मेरा पेट कुछ गड़बड़ है। तो एक काम कर, 1 किलो लड्डू, मोतीचूर के लड्डू मेरे घर में पहुंचा देना कर। बाबा आपका पेट गड़बड़ है और लड्डू खाने, अरे आज कौन खाएगा, कल की बात कर रहा, कल आज मैंने चूरन ले लिया ना, पेट ठीक हो जाएगा, कल मेरे घर 1 किलो लड्डू पहुँचा देना। अच्छा बाबा मेरा, ला तुम्हारा हाथ देखते हो, तुम्हारा भविष्य बताते हैं, ला दिखा हाथ। बेटा हमने तुम्हारा हाथ देख लिया, हम तो तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रहे हैं कि बेटा तुम बहुत पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे बेटा, बहुत पढ़ो। बाबा मैं पढ़ कर तो पिछले 4 साल से रहा हूँ, आप ये बताइए कि मैं पास कब होऊंगा, मेरा सिलेक्शन कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी। अच्छा, ये बात है, बिग प्रॉब्लम। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुमने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है क्या? नहीं बाबा, मैंने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन, मिल गया ना तुम्हारा फॉल्ट, तुम्हारा सबसे बड़ा फॉल्ट यह है कि तुमने अभी तक कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की है। अब बाबा जबलपुर शहर में इतनी सारी कोचिंग क्लास है, कौन सी ज्वाइन करूँगी। बेटा बेटा घबराने कोई बात, हमने कहा ना हम इंदौरी बाबा है, इंदौर से आए हैं, अब बस तुम्हारे बुरे दिन गए समझो, ठीक है, बस अच्छे दिन आने वाले हैं तुम्हारे, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके मुंह में घिस। अरे बेटा घी शक्कर का नाम नहीं ले, तू नाम ले देता मेरे पेट में भी ऐसी गड़बड़ है। तो एक याद ना, 1 किलो लड्डू मोतीचूर के घर में पहुँचा। हाँ बाबा भी कुछ घर में पहुँचा। अच्छा बाबा कुछ कोचिंग, ठीक चलो बाजू हटे तो मुँह साफ कर ले। देखो क्या बाबा आप गुटखा खाते हैं? अरे गुटखा नहीं यार, ये माउथ फ्रेशर, इससे ना मुँह साफ होता है। अच्छा, मुँह साफ होता बिल्कुल, तुम्हारे पास है क्या? मतलब खत्म हो गया था। नहीं बाबा मैं नहीं खाता। अच्छा कुछ पीते ही थे? नहीं बाबा पीता नहीं। अच्छा ये पीते हो? नहीं। अरे यार ना खाते हो ना पीते हो, कैसे जीते हो है? ऊपर जाके क्या जवाब दोगे? बाबा बेरोजगार आदमी क्या खाए पिए कुछ समझ नहीं आता। बेटा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, तो हमने तुमसे कहा ना हमारा नाम इंदौरी बाबा है, हम इंदौर से आए हैं, अब तुम्हारे बुरे दिन गए ठीक, बस अच्छे दिन आने वाले हैं तुम्हारे, अब अच्छे दिन आने वाले, आपके मुंह में घिस पा रहे। बेटा घी शक्कर का नाम बार बार लेता, मेरा पेट फिर गड़बड़, अभी आराम लग रहा था फिर गड़बड़ हो। एक तेरे को याद है ना 1 किलो लड्डू? हाँ बाबा आप बार बार याद मत दिलाओ, मैं 1 किलो लड्डू आपके घर में पहुँचा दूँगा। अच्छा बाबा आप कुछ कोचिंग क्लास का नाम हाँ बता देना। अच्छा चलो हम हिंट कर रहे हैं, तुम गेस करो ठीक है। हाँ वो MP की नंबर 1 है। अच्छा बाबा MP की नंबर 1, बिल्कुल कोई शक है क्या? MP की नंबर, उसके बाद क्या, फिर देश की नंबर 1 हो जाएगी। अच्छा देश की नंबर 1, फिर क्या, फिर पूरे वर्ल्ड की नंबर। बाबा कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो कम कर दे। अभी क्या करते हैं अपन, MP तक रखते हैं ठीक है। अच्छा सोचो सोचो जल्दी। बाबा बताया ना जबलपुर शहर में इतनी सारी कोचिंग क्लास है, कौन सी ज्वाइन करूँ क्या समझ। बेटा हमने तो कहा ना परेशानी जो है, तुम्हारे बुरे दिन गए समझ, इंदौरी बाबा है हमारा नाम ठीक है, इंदौर से आए हैं, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं बस। अच्छा बाबा अच्छे दिन आने वाले आपके मुंह में। अरे बेटा घी शक्कर मालूम मेरे को, बार बार नाम मिले हैं ठीक है। अच्छा बाबा आप कुछ कोचिंग क्लास का नाम, हाँ तो कैसे बता दे यार, तो इंदौरी बाबा है भाई, कुछ दान दक्षिणा करो बाबा। बाबा मेरे पास तो अभी सिर्फ 50 50 रुपये में, इसमें क्या होता है, एक काम करो इसमें ना 1 शून्य और लगाओ और दे दो बाबा। नहीं बाबा अभी तो मेरे पास सिर्फ 50। अरे बेटा तू अपनी ना सही, बाबा की इज्जत का तो ख्याल कर, 50 रुपये। बाबा देख दूसरे पॉकेट में देख क्या है, दूसरे पॉकेट में तो ये ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी तेरे पास? हाँ बाबा गाड़ी है। अरे यार तू मेरे को, मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को वहाँ तक छोड़ देगा? कहाँ तक? वो बाबा वहाँ तक तो अब पैदल चले जाते हैं, वहाँ तक नहीं है यार, वहाँ से अपने को एक राइट लेना है, राइट वो जाएगी सुपर मार्केट,
सुपर मार्केट जाना, सुपर मार्केट नहीं यार, वहां से फिर अपने को एक लेफ्ट लेना है, लेफ्ट वो जाएगा अपना नया बाजार। चलो नया बाजार छोड़, नया बाजार नहीं यार, वहां से फिर अपन को फिर एक राइट लेना है, वो जाएगा अपने अपार्टमेंट। अच्छा बाबा आप अपार्टमेंट में? नहीं यार ऐसे अपना नहीं है, अपना किराए से, अपना सब मोह माया सब छोड़िए, किराए से। बाबा आपके राइट लेफ्ट के चक्कर में मेरे सिर दुखने लगे। अच्छा बाबा इतनी दूर जाऊंगा मेरा पेट्रोल खत्म हो जाए? अच्छा पेट्रोल खत्म, फिर एक काम कर तू सुपर मार्केट छोड़ देना, वहाँ से मैं व्यवस्था कर। ठीक है बाबा मैं छोड़ दूँ। अच्छा तो तुम अपना वो नाम, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर तो लिखाओ, मैं तुमसे कैसे संपर्क में हूँ? हाँ बाबा लिखिए ना, मेरा नाम लिखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब लिख लीजिए। ठीक, अच्छा बाबा आप कुछ नाम बता। अच्छा नाम नहीं बताया मैंने? नहीं बाबा नहीं। अरे तू कैसे बता दे यार इतने 50 रुपये में? अच्छा ठीक है अभी तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है ऐसा है देखो, लक्ष्मी का अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है? जितनी आए आने देने, अभी मैं रख ले रहा हूँ, पर तुम, मैं तुम्हारे टच में रहूँगा, तुमको बीच बीच में, तुमने अपना नंबर तो लिखा दिया, बीच बीच में तुमको जोश दिलाता रहूँगा, जिससे तुम पहली बार में निकल जाओ, जल्दी से तुम्हारी नौकरी लगे, जल्दी से तुम्हें सैलरी मिले और जल्दी से मेरी दान दे चढ़ाए। ठीक है बाबा आप कुछ नाम बता। ठीक है बताते ना। चलो अच्छा तुम बिल्कुल अपने, हम नाम बताने जा रहे हैं, दिल पे हाथ रख लो तुम। अच्छा बाबा दिल पे हाथ रख लो, कुछ भयानक सा नाम है क्या? भयानक सा नहीं यार, फेमस नाम है, फेमस। अभी तुम सुनोगे ना खुशी से उछल जाओगे। अच्छा बाबा ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। अब देखो नाम बताने जा रहे हैं, तुम बिल्कुल दिल पे हाथ रख लो अपने। ठीक है अच्छा बाबा बताइए, मेरी दिल की धड़कन है ना बहुत तेज होती है, जल्दी बताइए आपने। चलो इसका नाम है कोटल एकेडमी। अरे बाबा ये नाम तो मैंने सुना हुआ है, सुना हुआ है, मेरे सारे दोस्त फ्रेंड तो यहीं गए, फिर तुम क्यों नहीं गए? बाबा सुना कुछ फीस कुछ ज़्यादा है। अरे फीस, फीस को मारो गोली, फीस नहीं, तुम अपना फ्यूचर देखो, फ्यूचर। और वो कौन सी खट्टी देनी है? एक मुश्ती नहीं देनी, छोटी छोटी किस्तें हैं, 10,000 15,000 ऐसी छोटी छोटी किस्तें। अच्छा बाबा ऐसा है, वो मालूम नहीं? बाबा नहीं मालूम था। फिर जाओ तुम आज ही जाओ, आज जा लो एडमिशन लो आज ही। बाबा शाम हो गई अब तो बंद कर लो, तुमको टाइम ही नहीं मालूम? नहीं बाबा टाइम ही नहीं, वो सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे तक फ्री रहती है, इस बीच तुम कभी भी जाओ और एडमिशन लो और अपने अच्छे दिन की शुरुआत करो। अच्छा बाबा अच्छे दिन की? बाबा आपके मुँह, अरे मालूम मालूम, घी शक्कर मालूम है, तेरे को याद है ना 1 किलो मोतीचूर के लड्डू मेरे घर पर? हाँ बाबा मेरे को याद है। चलिए बाबा मैं आपको सुपर मार्केट छोड़ देता हूँ और मैं जाता हूँ, बस आज ही एडमिशन लेता हूँ, मैं अपने अच्छे अच्छे दिन की शुरुआत करता हूँ। थैंक यू।